बनीगाला में चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। इजलास में पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली और सीनियर शरीक हैं, सेनेटर्स भी शरीक हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में हुकूमत को मजीद टफ टाइम देने का फैसला किया है। इसी पर बात करते हैं बिलाल मलिक से। बिलाल बताइएगा, मजीद क्या फैसले मतवक़े हैं इस इजलास में? जी बिल्कुल, इमरान खान की सदारत पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी का इजलास सुबह 11 बजे शुरू हुआ, जो कि अभी कुछ देर कबल तकरीबन 1.5 घंटे का इजलास था, अभी इख्तिताम हो गया है। उसमें जो है वो पीटीआई के जो सीनियर कौमी असम्बली और सेनेटर अरकान हैं वो उन्होंने शिरकत की। अरकान कौमी असम्बली और जो सेनेटर हैं उनको पीटीआई की नई हिकमत अमली पर तलब किया गया था, जो मुख्तलिफ जो है वो अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में जो है वो चौधरी निसार अली खान की जो कमीशन रिपोर्ट पर तनकीद पर भी तबादला ख्याल किया गया। उसके अलावा पनामा लीग जो है वो मैं जो उसका मौजूद था, पनामा की जो सेनेट में मंजूरी के बाद एकमत अमली थी उस पर भी इजलास गौर किया गया। इजलास में जो हमारे जराए का ये भी कहना है कि इजलास में एजाज हसन और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान जो मुलाकात हुई उस पर भी वो उस हवाले से भी बातचीत की गई। पीटीआई का कौमी असम्बली में और जो सेनेट में दोनों जगहों पर जो हुकूमत को मजीद टफ टाइम देने का भी फैसला किया गया। इजलास में जो कल कौमी असम्बली का जो इजलास है उसमें वज़ीर-ए-आज़म के मुतबाद बयानात पर भी वजाहत तलब की गई है। अभी से कुछ देर कबल जो है वो कुछ देर बाद जो मीडिया के जो शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे और इजलास के वक्त में ब्रीफ करेंगे। बिलाल मलिक, शुक्रिया आपका।